गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस सेकंड क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज वर्ड्स वंडर। वर्ड्स वंडर के अंदर एक्सरसाइज नंबर ए, देखिए एक्सरसाइज नंबर ए, नेम्स ऑफ सम चिल्ड्रन आर गिवन बिलो। नीचे कुछ बच्चों के नाम दिए गए हैं, अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अरेंज देम, अरेंज मीन्स व्यवस्थित करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी नेम्स को दोबारा से अरेंज करके लिखना है, व्यवस्थित तरीके से लिखना है कि कौन किसके बाद आता है। अब इसमें नेम्स हैं विशाल, गौरव, धीरज, सिमी, आरो, मनीष, अमन, रश्मि, सुमन, प्रियंका, भूमिका, हिमानी, अनीता, नव्या, सुमित। ये चिल्ड्रंस के नेम दिए गए हैं और इन्हें हम नीचे जो नंबर दे रखे हैं इनके सामने फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें हम लिखते हुए चलेंगे। सो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर नोटेड करवाती हूँ। इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब देखेंगे तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट में ए से स्टार्टिंग होने वाले नेम्स नोट करने हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है फर्स्ट नंबर आरो। आरो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर जो होगा वो भी ए पे होना चाहिए, हमें इसमें देखना है। इसमें ए पे अमन दे रखा है, अनीता दिया हुआ है, तो इसमें ए एम ए एन सेकंड नंबर पे कौन होगा, ए एम ए एन, और थर्ड नंबर पे अनीता। अब इसे हम देखेंगे कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, वो हमें समझना है। डबल ए, फर्स्ट में ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, ए से स्टार्ट होते हैं। सेकंड है ये, सेकंड बी, सेकंड लेटर इसमें ए है, इट मीन्स सबसे पहले कौन आया, आरो। इसके बाद में सेकंड नंबर पे एम और एन, दोनों के अंदर इसमें एम है, इसमें एन है, पहले कौन आता है, एम आता है या एन, पहले एम आता है, इसलिए हमने अमन को सेकंड नंबर पे पुट आउट किया। एंड थर्ड नंबर पे हमने ए एन आई टी ए अनीता को किया है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में हम देखेंगे कि ए से और कोई भी नेम इसमें नहीं है। फिर बी से स्टार्ट करेंगे कि बी से कोई नेम है इसमें। बी से नंबर फोर पे है भूमिका, बी एच यू एम आई के ए। फिर फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे बी से और कोई नेम है, नहीं है। सी का है, नहीं। डी से धीरज है हमारे सामने, तो यहाँ धीरज आ जाएगा, डी एस डबल ई आर ए जे, धीरज। इसके बाद सिक्स नंबर पे हम चलते हैं, डी से और कोई नेम नहीं है यहाँ। उसके बाद आता है ई, ई से भी नहीं है, एफ से भी कोई नेम नहीं है। उसके बाद गौरव है, गौरव होगा सिक्स नंबर। फिर आता है सेवन नंबर, सिक्स नंबर पे कौन है, गौरव। इसके बाद जी पे और दूसरा कोई नेम नहीं है। फिर एच से देखेंगे, एच पे हिमानी है, एच पे हिमानी, एच आई एम ए एन आई। नेक्स्ट नंबर एट है, इसमें मनीष, एम ए एन आई एस एच, एच एम, एम के बाद में एन पे देखेंगे तो एन पे है नव्या, नव्या। टेन नंबर देखेंगे अब हम, ओ एन के बाद में ओ, ओ पे कोई नहीं है हमारे पास। इसके बाद आता है पी, पी पे प्रियंका है, टेन नंबर पे प्रियंका। फिर इलेवन नंबर देखेंगे तो इलेवन नंबर में आता है रश्मि, पी क्यू, क्यू पे कोई नहीं है, आर पे रश्मि है, आर ए एस एच एम आई। ट्वेल्व नंबर देखिए, इसमें है सिमी,
यहाँ 12 नंबर में सिमी है और उसके बाद में 13 पे सुमन, नेक्स्ट 14 नंबर पे है सुमित, 14 नंबर सुमित एंड लास्ट नंबर पे है विशाल, 15 पे विशाल। ओके, ये है हमारा अल्फाबेटिकल रीअरेंज ऑर्डर, अल्फाबेट में हमने इन सभी को लिखा है। नेक्स्ट है स्पेलिंग्स, अगली एक्सरसाइज देखिए आप, स्पेलिंग्स जो नीचे दी गई हैं इसमें फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू नो फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू नो योर फैमिली मेंबर्स फैमिली मेंबर्स। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट है ब्रदर, बी, बी के बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर ओ, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर एच, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर आर। सेकंड स्पेलिंग है हमारे पास सिस्टर, एस आई एस ई, यहाँ बीच बीच में मिसिंग लेटर्स हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे फादर की स्पेलिंग है एफ, फिर मिस, फिर टी एच और फिर आर। फोर्थ नंबर पे है हमारे पास मदर, एम ओ, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, एच ई और यहाँ। अब इन्हें हम कंप्लीट करेंगे, बी आर ओ टी एच ई आर, यहाँ पे आर आ जाएगा, बी आर ओ टी एच ई आर, सिस्टर एस आई एस टी ई आर। नेक्स्ट है फादर, एफ ए टी एच ई आर। फोर्थ है एम ओ टी एच ई आर, मदर। ये हमने स्पेलिंग्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नीचे राइम दी गई है, स्पीक ए वाइल प्रैक्टिस द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मीन्स होता है बातचीत करना, कि हम किस प्रकार से बातचीत करते हैं, उसकी प्रैक्टिस की करवाई गई है टू स्टूडेंट के द्वारा। फर्स्ट है इसमें स्टेटमेंट, वुड यू लाइक पिज्जा, पीछे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि क्या आप पिज्जा पसंद करते हैं, यस प्लीज, हाँ कृपया, मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ। वुड यू लाइक ए समोसा, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप समोसा पसंद करते हैं, ऑफ कोर्स आई वुड, ओ निसंदेह, मैं इसे भी पसंद करता हूँ। थर्ड है वुड यू लाइक ए चॉकलेट, क्या आप चॉकलेट पसंद करते हैं, नो नहीं, आई विल स्पॉयल माई टीथ, स्पॉयल मीन्स सड़ा देना, खराब कर देना, टीथ मीन्स दांत, नहीं इसे मैं पसंद नहीं करता क्योंकि यह मेरे दांतों को खराब कर देगी। वुड यू लाइक ए ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, क्या आप एक कोल्ड ड्रिंक ग्लास पसंद करते हैं, नो थैंक्स, नहीं आपको धन्यवाद, ये भी मैं पसंद नहीं करता। वुड यू लाइक एन एप्पल, क्या आप एक सेब पसंद करते हैं, ऑफ कोर्स यस, ओ निसंदेह अवश्य ही मैं पसंद करता हूँ, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, नेक्स्ट पेज टर्न पेज नंबर 8, इस पे हम देखेंगे कि हमारे सामने ये पिक्चर दी हुई है, क्या दे रखी है, ये एक पिक्चर दी हुई है एलिफेंट की, इसमें से सबसे पहले लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट इट, आप इस तस्वीर को देखिए, इसके बारे में कुछ लाइन लिखिए। यू मे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, आपके द्वारा बॉक्स में इन शब्दों का प्रयोग करना है। ए लॉन्ग ट्रंक, एक लंबा सूंड, स्मॉल आइज, छोटी आँखें, लार्ज ईयर्स, बड़े कान, ग्रे स्किन, ग्रे कलर की स्किन, चमड़ी, रंग, वाइट टस्क, सफ़ेद दांत, फोर लेग्स,
चार पैर, शॉर्ट टेल, छोटी पूंछ, ए लार्ज एनिमल, एक बड़ा जानवर, बनानास, केले, शुगर एंड केन। शुगर केन का मीन्स क्या है? गन्ना, एंड लीव्स, गन्ना और पत्तियां। अब हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। देखिए यहाँ हम फिल करेंगे, जैसे फर्स्ट लाइन हमें फिल करके दी गई है, एन एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल। एलिफेंट इज ए क्या है? लार्ज एनिमल, ठीक है, ये ऑलरेडी किया हुआ है। अब सेकंड लाइन में हम फिल करेंगे, इट लव्स बनाना, बी ए एन ए एन ए बनाना, एस यू जी आर सी ए एन ए कैन, एंड लीव्स, एल ए वी ई एस, लीव्स, ओके। थर्ड लाइन में आपको करना है, इट हैज टू, इट हैज फोर, एफ ओ यू आर, फोर लेग्स एंड इसमें लार्ज ईयर्स भी हैं, स्मॉल आईज भी हैं, या फिर हम इसमें टू टू का पेयर कर देते हैं, इट हैज टू आईज, टी डब्ल्यू ओ टू आईज, ई वाई ई एस, एंड टू लार्ज ईयर्स, एंड टू लार्ज ईयर्स। सेकेंड में क्या भरेंगे? फोर, सॉरी, टू आईज एंड टू लार्ज ईयर्स, दो बड़े कान, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, इट हैज लेग्स, लेग्स कितनी होती हैं? लेग्स से पहले आप फोर भरेंगे, फोर, एफ ओ यू आर, फोर लेग्स। इट हैज ए शॉर्ट टेल, एस एच ओ आर टी, शॉर्ट टेल, टी ए आई एल, टेल, ओके। नेक्स्ट है, इट हैज, नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ फिल करते हुए चलें, इट हैज टू वाइट टस्क, वाइट टस्क, टी यू एस के एस, टस्क। इट हैज ऑल्सो, अब इसके और कौन सी चीज है? इट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, ए लॉन्ग ट्रंक ऑल्सो, टी आर यू एन के, ट्रंक ऑल्सो। लिसन अगेन स्टूडेंट्स, फर्स्ट इट लव्स बनानास, सुगर केन एंड लीव्स, यह केले, गन्ने और पत्तियां पसंद करता है खाना। इट हैज टू आईज एंड टू लार्ज ईयर्स, इसके दो आँखें और दो कान हैं। इट हैज फोर लेग्स, इट हैज ए शॉर्ट टेल, इसके चार पैर और एक छोटी पूंछ है। इट हैज वाइट टस्क, इसके, इट हैज टू वाइट टस्क, इसके दो सफ़ेद दांत होते हैं। इट हैज ए लॉन्ग ट्रंक ऑल्सो, इसके एक बड़ा सूंड भी होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। नेक्स्ट है फन लर्न में, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब इस पोएम से जो राइमिंग वर्ड हैं इनको हम ले सकते हैं, कैसे? नीचे दिया गया है, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब इस पोएम के अंदर कौन से राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, कौन सी पोएम में? जो पीछे हमारे सामने दी हुई है, ये रही, जैसे वुड यू लाइक पिज्जा, वुड यू लाइक समोसा, वुड यू लाइक चॉकलेट, वुड यू लाइक ड्रिंक, वुड यू लाइक एन एप्पल। यहाँ इससे मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं उनको हमें लेना है, राइमिंग वर्ड्स को। आप इसमें नोटेड कीजिए, फर्स्ट में आएगा पिज्जा, सेकंड में समोसा, एस ए एम ओ एस ए, नेक्स्ट इसी वे में हमें प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट देखिए, ड्रिंक, डी आर आई एन के, ड्रिंक का हो जाएगा ट्रंक,
फ्रैंक एफ आर ए एन के फ्रैंक। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए इसमें स्पॉइल स्पॉइल का होगा एस पी ओ आई एल स्पॉइल टॉयल। ये हम अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं, राइमिंग वर्ड जो है वो हम इच्छा से भी ले सकते हैं, स्पॉइल टॉयल टी ओ आई एल टॉयल। नेक्स्ट इसमें कॉल्ड सी ओ एल डी कॉल्ड मॉल्ट एम ओ यू एल डी मॉल्ट। नेक्स्ट है इसमें सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, कलर द एबो पिक्चर्स ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट की पिक्चर प्रिपेयर करके आपको उसमें कलर फिल करना है अपनी नोटबुक पे। सो स्टूडेंट्स आई हैव स्टॉप माय लेसन एंड फर्स्ट लेसन हैव बीन कंप्लीटेड विद एक्सरसाइज। सो यू नोटेड योर होम असाइनमेंट। डू एक्सरसाइज do exercise a b a and b and learn it। आपको इसे नोटबुक में करनी है और इसे लर्न भी करना है। फर्स्ट पॉइंट ये है आपका। सेकंड है ड्रा ए पिक्चर, पिक्चर ऑफ एलिफेंट, ड्रा ए पिक्चर ऑफ एलिफेंट एंड फिल द कलर, एंड फिल द कलर इन इट ऑन योर नोटबुक, ऑन योर नोटबुक। आपको एलिफेंट की पिक्चर नोटबुक पे बनानी है और उसमें कलर फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स सी यू टुमारो।